हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर पूरे राजस्थान में असमंजस की स्थिति हो गई। राजस्थान के परिवहन मंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा ने कह दिया, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कुछ अखबारों में तो आ गया कि ये HSRP प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, सियाम पोर्टल को हमने बंद कर दिया, कुछ कह रहे हैं कि नया पोर्टल बनाएंगे। ये सारा जो कमीशन का झगड़ा शुरू हुआ है, पैसा जनता का, नंबर प्लेट जनता की बेवजह बदली जा रही है। उप मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार यदि ईमानदार है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नाम पर लोगों से जो 700-800 रुपए की आप वसूली कर रहे हैं बंद करो। 30 लाख वाहनों पर आप नई प्लेट लगाना चाहते हो, इसका कोई फायदा नहीं है। जबरन लगा रहे हो, अब सियाम पोर्टल से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको वो कोई फायदा नहीं पहुंचा, तो आपके वो बंद कर दो, आप नए 10 पोर्टल और शुरू कर दो, या तो वहां भी चलने दो, या फिर ये कहो साफ कि अब ये वसूली बंद हो जाएगी, आप कह रहे हो ये पैसे लौटा दो। ये आसान काम नहीं है। ये सारा झगड़ा भ्रष्टाचार का है, कमीशन का झगड़ा चल रहा है इस सरकार में। पूरा जोर आपने लगा दिया और अब वाहन डीलर खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि हम ये सियाम पोर्टल के अलावा लगने नहीं देंगे। तो इस झगड़े में जनता पिस रही है, गाड़ी जनता की, नंबर प्लेट जनता की, पैसा जनता का, झगड़ा चल रहा है परिवहन मंत्री प्रेमचंद जी बैरवा और वाहन डीलर्स में, सियाम पोर्टल में, और डिपार्टमेंट के अधिकारी और नेता परिवहन मंत्री कहते हैं कि ये सियाम पोर्टल हम बंद कर देंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, सियाम पोर्टल के ऊपर मेहरबानी केंद्र के इंजन की है, यहाँ पर मेहरबानी आप नया इंजन लाना चाहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का खेल बंद करो, HSRP के नाम पर जनता को लूटना बंद करो। साफ कहो कि HSRP प्लेट के जिसकी इच्छा वो लगवाए, जिसकी इच्छा नहीं हो वो नहीं लगवाए, उसको कहते हैं ऑर्डर। और आपकी ये मनमानी और भ्रष्टाचार यदि आप करते हैं तो HSRP प्लेट के नाम पर भ्रष्टाचार हो तो हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करें।